बैक टू अवर चैनल क्रैक द केस बी एग्ज़ाम। तो अभी मैं आपसे कुछ बात करूँगा, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको शायद कुछ कड़वी लग सकती हैं, बट मेरा काम है वो मैं बोलता हूँ सीधा मुंह पे बोलता हूँ, ठीक है? तो ये सुनना ध्यान से। आप सभी को पता कि अभी फॉरेस्टर का जो है वो केस जो है अभी कोर्ट ने बोला हुआ कि हम इसके नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक इसकी जो है आप फिज़िकल जो है बना लो, ठीक है? और जब ये इसके अब इसका जो ये ऑर्डर आया था, मैंने शाम को ही इसकी चीज़ के रिगार्डिंग, आप देख सकते हो डेट 23 सितंबर, और कब की डेट, ये कब का टाइम है, ये आपका 2:30 बजे मैंने पोस्ट कर दिया हुआ, ठीक है? और इसमें ऊपर मैंने ऊपर देखने में मैंने क्या लिखा हुआ, जो रिसेंट कैट ऑर्डर आया हुआ, ठीक है, उसके ऊपर जो जो फॉरेस्ट के ऊपर स्टे लगा हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जे के एस बी चेयरमैन से कि आप इसमें इंटरवीन करो और इस इशू को रिजॉल्व करो, ठीक है? एस्पिरेंट जो है वो डिस्ट्रेस में है, डिस्ट्रेस में इसकी दुखी है वो, ठीक है? अब इसको रीट्वीट कितने बंदे करते हैं, रीपोस्ट कितने बंदे करते हैं, 14 बंदे करते हैं, और देखा कितने बंदों ने, 785 बंदों ने। क्या मेरे को आप ये बताओ, सिर्फ 785 बंदे जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो आपके मसले रिजॉल्व कर रहे हैं? 785 बंदे ही हैं जो फॉरेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं ना, इससे ज़्यादा बंदे हैं, ठीक है? और देख भी रहे होंगे इस वीडियो को, आप देख भी रहे होंगे, और चीज़ें अगर आप आपके लिए कोई बोल रहा है तो आप उसके लिए उसको भी सपोर्ट नहीं करते, तो फिर आपका मसले कैसे रिजॉल्व होंगे, ठीक है? मैंने जब भी मसला आया, मैं उसी को उसके बाद ये मैंने पोस्ट करी, और फिर अब फिर यह बुरा लगता है यार कि अगर कोई बंदा आपके लिए बोल रहा है पर स्टिल आप उस बंदे को सपोर्ट नहीं कर रहे। अब ये जो चीज़ ये जो मैंने पोस्ट डाला, ये कोई मैंने अपने पर्सनल के लिए थोड़ी डाला, मैंने आप लोगों के मसलों के लिए, मैंने जे के एस बी चेयरमैन जो इंदु कनवल चीफ हैं जो भी, मैंने उनको टैग भी करा हुआ है। बट ये चीज़ जो है वो वायरल होती तो तब आपका मसला जो है वो जल्दी जल्दी रिजॉल्व होना था, बट आप जो वो आप घर बैठ के सोचते हो कि हर एक चीज़ घर बैठे ऐसे हो जाएगी। मानता हूँ घर बैठे हो, बट अगर आपके पास ट्विटर है, एक्स है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप उस चीज़ को यूज़ ही नहीं करोगे अपने मसलों को रिजॉल्व करने, कैसे आपके मसले रिजॉल्व होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं यार, अगर कोई बंदा आपके लिए बोल रहे हैं तो आप एटलीस्ट उस जो चीज़ वो बोल रहा है वो आप उसको सपोर्ट तो कर सकते हो ना। अब आपका काम क्या था, आपका काम था इसको रिपोस्ट करना और इसको टैग करना बस, ताकि आपके मसले को जो जो कंसर्न ऑफिशियल है वो सुने, ठीक है? और जब वायरल होती कोई चीज़ तभी तो बंदा वो कोई बंदा वो गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करती है। अगर आप वायरल उस चीज़ को वायरल ही नहीं करोगे, अपने मसलों को गवर्नमेंट तक पहुँचाओगे नहीं, तो आपके मसले कैसे रिजॉल्व होंगे, ये चीज़ होती है यार, ठीक है? बाकी बस स्टिल तब भी अभी भी मैं आपको बार बार आपको जो भी आपकी सपोर्ट करनी है वो आपको करता रहूँगा, बट आप सभी से रिक्वेस्ट रखूँगा मैं कि आप ना अभी जब इलेक्शन आपका अभी 8 अक्टूबर का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप अभी जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, उसके बाद ये मसले को हम रिजॉल्व करें, टेकन अप करेंगे, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसके सामने हम ये बात रखेंगे। बस स्टिल हम उसके पहले भी हम अपनी जो ये बात है थ्रू ट्विटर और थ्रू मैं यूट्यूब जो है वो उठाता रहूँगा, बट मैं कोशिश करूँगा भी मैं ट्विटर पे ही आप इसकी ये जो मसले है इसके ऊपर मैं बोलूँ, और आपसे भी इससे मैं इसकी एक्सपेक्ट करूँगा कि आप भी इस चीज़ के रिगार्डिंग जो है चैनल पे जो इस चैनल का ट्विटर हैंडल है उस पर आप ज्वाइन करके रीपोस्ट करो, ताकि आपके मसले को कंसर्न ऑफिशियल तक पहुँचाया जा सके, ठीक है? तो बाकी अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।